वीडियो में अपन कवर करेंगे राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल, वो सब अपन यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 21वां फीफा विश्व कप फुटबॉल। शुरुआत करते हैं 21वीं फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जिसका आयोजन किया गया कहां पे, जिसका आयोजन हुआ कहां, रूस में, जिसका आयोजन कहां किया गया, जिसका आयोजन हुआ रूस में। और शुभंकर का नाम था, शुभंकर का जो नाम था, इसका आयोजन हुआ रूस में, इसके लिए जो शुभंकर सेलेक्ट किया गया था उसका नाम था जाम्बी वाका, जिसका नाम था जाम्बी वाका। आयोजन रूस में, शुभंकर जाम्बी वाका। नेक्स्ट 2022 में आयोजन किया जाएगा कहां पर, कतर में। नेक्स्ट जो आयोजन होगा फीफा विश्व कप का, वो आयोजन होगा कतर में। इस बार किसने आयोजन करवाया, रूस ने, नेक्स्ट बार होगा कतर में। विजेता टीम फ्रांस, विजेता टीम फ्रांस, उप विजेता जो टीम थी वो थी क्रोएशिया। मैंने लास्ट वीडियो में इंग्लैंड बोल दिया था, उसको आप लोग मॉडिफाई कर लीजिएगा, वो है उप विजेता टीम क्रोएशिया। गोल्डन बूट जो मिला है अवार्ड, गोल्डन बूट वो मिला हैरी केन को, और ये प्लेयर है इंग्लैंड के, तो वहां मिस्टेक से मैंने बोल दिया था कि जो फाइनल हुआ था वो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जो कि गलत है, जो हुआ था फ्रांस और क्रोएशिया के बीच। विजेता टीम रही फ्रांस, उप विजेता क्रोएशिया, और गोल्डन बूट अवार्ड मिला हैरी केन को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट गोल्डन बॉल, नेक्स्ट गोल्डन बूट, नेक्स्ट गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल मिला लुका मॉड्रिक को, लुका मॉड्रिक, ये है क्रोएशिया की टीम में, किसकी टीम में, ये है क्रोएशिया की टीम में के खिलाड़ी हैं। तो हमने 21वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की यहाँ पर बात की, जिसमें हमने बताया इसका आयोजन रूस में किया गया, इसके शुभंकर का नाम जाम्बी वाका, विजेता टीम फ्रांस, उप विजेता टीम क्रोएशिया, गोल्डन बूट मिला हैरी केन, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिक जो की खिलाड़ी है क्रोएशिया के। नेक्स्ट जो 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा वो होगा कतर में। इसके बाद अपन बात करते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वें राष्ट्रमंडल की, एक और बता देती हूँ, इसका लोगो था फीफा विश्व कप का, फीफा विश्व कप का लोगो क्या था, इसका लोगो था खुले दिल से खेलो, खुले दिल से खेलो, ये इसको लोगो था किसका, 21वें फीफा विश्व कप का लोगो था खुले दिल से खेलो, प्ले विद एन ओपन हार्ट। नेक्स्ट 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल थे उनका आयोजन किया कहां पर, उनका आयोजन हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, इनका आयोजन कहां पर किया गया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया, किसका, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 19 गेम्स खेले गए, तो बहुत बार पूछ लेते हैं फैक्ट, इसलिए मैंने बता दिया, 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 19 खेलों का आयोजन हुआ। इस राष्ट्रमंडल खेल के शुभंकर,
इस गेम के शुभंकर का नाम था बोरोबी, फीफा वाले का नाम था जाबी वाका, और बोरोबी है शुभंकर 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का। इनका जो लोगो था वो था शेयर द ड्रीम। लोगो था 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का शेयर द ड्रीम। जो अंक तालिका थी, जो पदक तालिका है, पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर पे इंग्लैंड, और तीसरा स्थान मिला था भारत को। भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे। भारत को टोटल जो मेडल मिले थे, टोटल पदक, वो है 66, जिनमें से गोल्ड है, स्वर्ण पदक है 26। स्वर्ण पदक कितने हैं? 26 रजत और कांस्य। रजत पदक है 20 और कांस्य भी कितने हैं? 20। तो ये फैक्ट भी याद रखने हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पदक तालिका में तीसरा स्थान मिला, 26 स्वर्ण, 20 रजत और कांस्य 20। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो जीते हैं भारत ने, वो कौन से गेम में जीते हैं? वो निशानेबाजी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। तो गेम का नाम भी पूछ लेते हैं बहुत बार, कौन से गेम में भारत ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते? तो वो है निशानेबाजी में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारतीय खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? तो उनका नाम है मणिका बत्रा। मणिका बत्रा, इन्होंने टोटल 4 पदक जीते। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये, टोटल 4 पदक जीते इन्होंने, और ये भारत के सर्वाधिक मेडल जीते इन्होंने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में, जिनका नाम है मणिका बत्रा। नेक्स्ट बात करते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की जो ध्वजवाहक खिलाड़ी है वो थी एक तो उद्घाटन समारोह में ध्यान रखना है, दूसरा हमें याद रखना है कि समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थी? तो PV सिंधु। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक खिलाड़ी हैं वो है PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और समापन समारोह में मैरी कॉम ने भारत का ध्वज संभाला समापन समारोह में। ये है मुक्केबाज और वो है बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहां होगा? तो 2022 में इसका आयोजन होगा कहां पर? बर्मिंगम इंग्लैंड। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के, वो अपन ने यहां कवर किए। इसको रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ रूस में, विजेता टीम फ्रांस, उप विजेता क्रोएशिया, लोगों खुले दिल से खेलो, शुभंकर, जाबी वाका। 2022 में जो नेक्स्ट फीफा विश्व कप का आयोजन होगा वो होगा कतर में। गोल्डन बूट अवार्ड मिला हैरी केन को, इंग्लैंड के प्लेयर है। गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिक, जो कि क्रोएशिया के प्लेयर है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, शुभंकर, बोरोबी, लोगो, शेयर द ड्रीम। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया 19 गेम्स के लिए। पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड पे भारत।
भारत को जो टोटल पदक मिले वो है 66, जिसमें से स्वर्ण पदक 26, रजत 20 और कांस्य भी 20। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो प्रतियोगिता में मिले वो है निशानेबाजी। मणिका बत्रा ये भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल में। इनको टोटल 4 पदक मिले, किसमें? टेबल टेनिस में। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक खिलाड़ी हैं बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक खिलाड़ी है मुक्केबाज मैरीकॉम। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इनका आयोजन होगा बर्मिंगम इंग्लैंड में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट इसका आयोजन हुआ मुंबई में। मुंबई में यानी भारत में विजेता जो टीम है वो है भारत। इसमें 4 देशों ने भाग लिया था इस टूर्नामेंट में। विजेता टीम है भारत और उप विजेता टीम है कीनिया। और जो अन्य 2 टीमें थी जिन्होंने इसमें भाग लिया उनके नाम है चीनी ताइपे और न्यूजीलैंड। अन्य टीमें थी चीनी ताइपे और न्यूजीलैंड। इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट जो विजेता रही वो है भारत, उप विजेता है कीनिया। इसमें इस टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए, ये है सुनील छेत्री। इनका नाम है सुनील छेत्री। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे और ये भारतीय टीम के कप्तान भी थे, सुनील छेत्री। ठीक है, तो हमने यहां बात की किसकी? इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसका आयोजन किया गया मुंबई में, जिसकी विजेता टीम है भारत, उप विजेता टीम रही कीनिया। 4 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत, कीनिया, चीनी ताइपे और न्यूजीलैंड। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री, जो भारतीय टीम के कप्तान भी थे और इन्होंने सर्वाधिक गोल भी किए। नेक्स्ट बात करते हैं 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। हम बात कर रहे हैं 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की, जिनका आयोजन हुआ प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया। में इन गेमों का क्या हुआ? आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो टीम रही थी पदक तालिका में, फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री है वो है नॉर्वे। भारत की तरफ से इन गेमों में 2 प्लेयर गए थे जिनका नाम है शिवा केशवन और जगदीश। 2 प्लेयर ने हिस्सा लिया इस ओलंपिक में, शिवा केशवन और जगदीश, जिनको कोई मेडल नहीं मिला, तो हमारा पदक तालिका में कोई स्थान नहीं है। तो 23वें जो शीतकालीन गेम हुए हैं, सिर्फ हमें उतना ही ध्यान रखना है, सर्वाधिक पदक तालिका में नंबर 1 पर नॉर्वे, प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ, शिवा केशवन और जगदीश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018। पुरुष हॉकी
वर्ल्ड कप 2018, इसका आयोजन 26 इसका आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के मध्य भुवनेश्वर भारत में होगा। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भुवनेश्वर भारत, किसका? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, फर्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018 की। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018, हम अब टेनिस से रिलेटेड जितने भी हैं उनकी बात करते हैं, जिनमें बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018। इसमें हम बात करेंगे पुरुष विजेता की और महिला विजेता की, सिर्फ दो ही पॉइंट यहां बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के लिए। फिर हम बात करेंगे सेम फ्रेंच ओपन टेनिस के लिए, इसमें भी सेम बात करेंगे एकल में पुरुष विजेता और एकल में महिला विजेता की। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस के बाद बात करेंगे हम विंबलडन ओपन टेनिस, इसमें भी हम बात करेंगे पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता की। पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता की, ये 2018 की बात कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2018, विंबलडन ओपन टेनिस 2018। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस की, जिसमें पुरुष विजेता रहे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो खेलते हैं कहां से? स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। क्या नाम बताया मैंने? पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के विजेता हैं रोजर फेडरर। जो महिला एकल की विजेता है उनका नाम है कैरोलिन, जो खेलती है डेनमार्क के लिए। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस की अगर बात करें, फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल, जो खेलते हैं किसके लिए? स्पेन के लिए। राफेल नडाल जो खेलते हैं स्पेन के लिए। महिला विजेता है सिमोना हालेब जो खेलती है रोमानिया के लिए। नेक्स्ट, विंबलडन उसके पुरुष विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो खेलते हैं सर्बिया के लिए। और यहां पर महिला एकल की जो विजेता है उनका नाम है एंजेलिक कर्बर खेलती है किसके लिए? जर्मनी के लिए। तो इनके नाम का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है इनसे, तो ज्यादा डिटेल में इनके बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पुरुष एकल के विजेता कौन है और महिला एकल की विजेता कौन है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने बात की जो पुरुष एकल की विजेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में, वो है पुरुष के विजेता रोजर फेडरर, महिला है कैरोलिन जो डेनमार्क की है। फ्रेंच ओपन टेनिस की बात की, पुरुष के है राफेल नडाल स्पेन, महिला है सिमोना हालेप, पुरुष है नोवाक जोकोविच विंबलडन के लिए, महिला है एंजेलिक कर्बर। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्रिकेट की, कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट अपन। तो पहले इसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई में किया गया 2018। इसका आयोजन कहां हुआ?
मुंबई में हुआ, विजेता टीम भारत, उप विजेता टीम कीनिया, चीनी ताइपे और न्यूजीलैंड, ये चार टीमें थी। इनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जो भारतीय टीम के कप्तान भी थे और सर्वाधिक गोल भी इन्होंने ही किए। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया। पदक तालिका में नंबर वन रहे नॉर्वे। भारत की तरफ से शिवा केशवन और जगदीश ने गेम खेला जिनको कोई मेडल नहीं मिला। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन होगा भुवनेश्वर भारत में। नेक्स्ट अपन ने बात की टेनिस की। तीन गेम में पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता तीनों के नाम ध्यान रखने हैं और कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्रिकेट की। क्रिकेट में सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 11। 2018 में आईपीएल का 11वां संस्करण खेला गया। इसकी जो विजेता टीम है चेन्नई, विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता टीम जो है वो है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जो विजेता रही आईपीएल 11 की वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब कौन सी बार जीता है, तीसरी बार यह खिताब जीता किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट ऑरेंज कैप किसको मिली, बात करेंगे अपन ऑरेंज कैप की और पर्पल कैप की। जो ऑरेंज कैप मिली वो मिली कैन विलियमसन जो प्लेयर है हैदराबाद सनराइजर्स के, ठीक है, हैदराबाद सनराइजर्स के प्लेयर हैं ये। कौन, कैन विलियमसन प्लेयर हैं किसके, हैदराबाद सनराइजर्स के। नेक्स्ट है एंड्रयू टाय, पर्पल कैप मिली किसको, एंड्रयू टाय को। ये है किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेयर हैं। कौन, एंड्रयू टाय। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, उसके अलावा एक और बता देती हूँ। नेक्स्ट अपन ने इसके बारे में सिर्फ इतने ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, आईपीएल 11 इसके 11वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस बार विजेता टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट इसमें ऑरेंज कैप मिली कैन विलियमसन को जो कि हैदराबाद सनराइजर्स के प्लेयर हैं, पर्पल कैप एंड्रयू टाय जो किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टी ट्वेंटी महिला एशिया कप की बात करते हैं जिसका आयोजन 2018 में हुआ। विजेता टीम बांग्लादेश, विजेता टीम बांग्लादेश, उप विजेता टीम भारत। किसकी बात की मैंने, टी20 महिला एशिया कप, विजेता टीम बांग्लादेश, उप विजेता टीम भारत। इसका आयोजन कहां किया गया, आयोजन हुआ था मलेशिया। इसका आयोजन किया गया मलेशिया, ठीक है। टी20 महिला एशिया कप जिसका आयोजन हुआ मलेशिया के क्वालालंपुर में आयोजन हुआ। किसका, टी20 महिला एशिया कप का, जिसकी विजेता टीम थी बांग्लादेश और उप विजेता टीम रही भारत। नेक्स्ट 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली टीम बनी है अभी, कौन सी टीम बनी है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने अपना 101,000वां टेस्ट मैच किसके साथ खेला था, वो है भारत।
1000 टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने वाली विश्व की प्रथम जो टीम बनी है वो है इंग्लैंड, और 1000वां जो टेस्ट मैच खेला वो किसके साथ खेला, भारत के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में 2018 में किसे सम्मिलित किया गया, तो वो है राहुल द्रविड़। किसमें? हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले हैं राहुल द्रविड़। इनसे पूर्व जो खिलाड़ी इसमें इंक्लूडेड है उनके नाम भी देख लेते हैं। इनसे पूर्व हॉल ऑफ फेम में इंक्लूडेड है, नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम में जो इंक्लूडेड है उनमें से एक है सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और बिशन सिंह। नेक्स्ट सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी। तो पांचवे नंबर के खिलाड़ी हैं कौन से? राहुल द्रविड़, जिनको 2018 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 मैचों में 2000 रन पूरे किए? किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में रिकॉर्ड 2000 रन पूरे किए हैं? वो भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं, उनका नाम है मिताली राज। वो ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं भारत की, जिन्होंने T20 में 2000 रन पूरे किए हैं, जिनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट बात करते हैं, महिला T20 विश्व कप 2018 हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, महिला T20 विश्व कप 2018 की, जिसका आयोजन किया गया वेस्ट इंडीज में। विजेता जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता जो टीम है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया यहां रहती विजेता। कहां आयोजन हुआ? वेस्ट इंडीज में। विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम है इंग्लैंड। रिवाइज करते हैं फटाफट। आईपीएल 11 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, ये खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार जीता है। उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। ऑरेंज कैप मिली सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर कैन विलियमसन को। पर्पल कैप एंड्रू टाय फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब। T20 महिला एशिया कप विनर टीम बांग्लादेश। उप विजेता टीम भारत। आयोजन मलेशिया क्वालालंपुर। 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है वो है इंग्लैंड।